नमस्कार आदाब हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे एनआरसी के मुद्दे की और ये मुद्दा जिस तरीके से पूरे देश में फैलता जा रहा है इसी विषय पर उर्मिलेश हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत तो पहला सवाल तो यही कि ये जो एन से जो पूरे देश में हालाँकि ये आसाम से आसाम तक सीमित एक मुद्दा है लेकिन जो इसको पूरे देश में जो विवाद बनाया जा रहा है उस विवाद को आप कैसे देखते हैं देखिए ये आ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा मुद्दा जिसको हल करने के लिए ज़्यादा संवेदना ज़्यादा समझदारी ज़्यादा प्रौढ़ता की ज़रूरत थी उसको आ, बहुत ही हड़बड़ी हड़बड़ी ठीक है हम मान सकते हैं कि बहुत लंबे समय से ये चल रहा था इशू आप जानती हैं असम आंदोलन जब हुआ था तो तब से ये इशू चल रहा था उन्नीस में आ, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने असम एकॉर्ड किया था उसकी रोशनी में ये फैसला हुआ कि भाई ठीक है हम इसकी छानबीन कराएंगे और एक नागरिकता का रजिस्टर तैयार होगा जिसके लिए ये सब किया गया है मैं इसको नहीं कह रहा हूँ ये तो लंबी प्रोसेस है इसमें हड़बड़ी की बात नहीं है लेकिन जो अभी हड़बड़ी कुछ ने, नेता दिखा रहे हैं अपने देश के सियासतदान और ऐसा लगता है कि जैसे ये जैसे ही एनआरसी का ये सारा आया है वो फ़ौर चाहते हैं कि सब कुछ हल कर लें अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इस पूरी प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करा रहे थे हजला साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस एनआरसी नाम की जो प्रक्रिया है उन्होंने भी स्वयं कहा है कि ये हड़बड़ी का मामला नहीं है इसमें अभी लोगों को अपनी शिकायत अपनी बात कहने का अपनी ओर से प्रमाण देने का पूरा का पूरा वक्त मिलेगा और जो तथ्य और दस्तावेज़ हैं वो नए सिरे से भी वो पेश कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जैसे लगता है कि सब कुछ फाइनल हो गया और ये फाइनल ड्राफ्ट तो है लेकिन ये फाइनल प्रक्रिया नहीं है ये ये किसी ऐसा नहीं है कि नतीजा बिल्कुल सामने आ गया है अब जैसे डीएसपी साहब कोई हैं अब पता चला कि उनका नाम है लेकिन उनकी बीवी का नहीं है बच्चे का है बच्चे का है तो उनका नहीं है ऐसे लोग हैं जो रोज़गार में हैं भारत सरकार राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के पता चला कि उनका भी नाम नहीं है तो इससे लगता है कि बहुत सारी इसमें समस्या है तो एक तो ये मुझे लगता है कि एन के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं सबसे अधिक राजनीति वही कर रहे हैं जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह का उनका भाषण था पार्लियामेंट के उच्च सदन में उससे भी लगा कि इसको एक राजनीतिक एजेंडे की तरह लिया जा रहा है तो एनआरसी का पर्पस तब हल नहीं होगा और एनआरसी को ज़्यादा प्रौढ़ता के साथ ज़्यादा समझदारी के साथ हल करने की ज़रूरत है आगे के इसके रास्ते को तो उर्मिलेश जिस तरीके से आपने एनआरसी से जुड़ी राजनीति की बात करी तो uh, 2014 का जो चुनाव था वो बीजेपी ने इस मुद्दे पर लड़ा कि कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचार फैला रही है और हम आकर देश का सही विकास करेंगे लेकिन uh, चार साल में दरअसल कुछ हुआ नहीं है और स्थिति बहुत बहुत बद से बदतर होती चली जा रही है तो अब हम जो एक शिफ्ट देख रहे हैं देश की राजनीति में खासतौर से बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कि 2019 का इलेक्शन क्या ये हिंदू मुसलमान पे करने वाले हैं क्योंकि एनआरसी को भी दरअसल इसी मुद्दे से जोड़ दिया गया है देखिए एनआरसी बिल्कुल आपने सही फरमाया एनआरसी का जो इशू है उसको भी बिल्कुल हिंदू मुसलमान कर दिया गया है और यही नहीं कि केवल एनआरसी का इशू इस वक्त भारत में जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि 2019 की तैयारी के लिए उठाया जा रहा है आप जिस मुद्दे को भी देखिए उसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है इसको बिल्कुल साफ साफ अगर हम कहें तो इस चुनाव को ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान चुनाव बनाया जा रहा है जिससे कि वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें अब आप देखें मैं उदाहरण के तौर पर कि पिछले दिनों 2016 की बात है जब सरकार ये एक नागरिकता कानून में संशोधन पेश कर रही थी मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें एक प्रावधान किया जाना था कि 11 साल रहने की अवधि तय की जाए जैसा कि कानून में है या कम किया जाए उसको कम कर दिया गया और सजेस्ट करके उस कानून को उसका ड्राफ्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया उसको लेकर विवाद चला अब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट मुझ यहाँ तक मुझे याद आ रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष वो पूरा का पूरा कानून है वो क्यों किया गया उसके पीछे राजनीति ये थी कि आरएसएस और बीजेपी के नेता खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश से अफगानिस्तान से अगर हिंदू आएंगे तो हम उनको फ़ौरन नागरिक बनाना चाहते हैं हम उनको भारत का नागरिक और मेरा ये कहना है कि भारत की जो नागरिकता है वो भाई हिंदू मुसलमान नागरिकता नहीं है ये भारत की नागरिकता है धर्म कोई हो जाति कोई हो ये अलग प्रश्न है नास्तिक भी हो सकते हैं उसमें अधार्मिक भी लोग हो सकते हैं लेकिन अगर आप ये कहोगे कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक तत्काल बनने का अधिकारी है जो हिंदू हो और जो मुसलमान हो वो नहीं है तो भारत के संविधान के मुताबिक इसका मतलब कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है एफॉर्मेटिव एक्शन के जो प्रावधान हैं उनको छोड़कर जो आर्टिकल 340 में जिसका प्रावधान किया गया है और इसके अलावा 15 में भी किया गया है तो ये असंवैधानिक सोच है कि आप धर्म के आधार पर लोगों की नागरिकता के बारे में फैसला करें दूसरी बात कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त एक अलग ढंग का माहौल पैदा किया गया है क्योंकि आ, उनको एजेंडा मिल गया था कि भाई यूपीए पी ए की टू सरकार यूपीए टू सरकार उसके खिलाफ़ ये करप्शन वो करप्शन सीएजी की रिपोर्ट आ गई ये वो आ गई तो एक तूफान मचा उसमें मीडिया ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी और आज जो करप्शन है उसके बारे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ ये डिबेट का अलग विषय है लेकिन उसमें क्या कहा गया कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे उस समय क्या कहा गया सबका साथ सबका विकास विकास की बात की गई इस वक्त विकास का कोई नारा नहीं है इस वक्त भ्रष्टाचार का कोई नारा नहीं इतने साल हो गए सरकार के लोकपाल नहीं बना जिस लोकपाल को लेकर अन्ना हज़ारे की अगुवाई में बाकायदे एक बड़ी आ, दूसरी तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की बात की गई और बीजेपी ने उसको कॉपरेट किया आर ने उसको कॉपरेट किया सच पूछिए तो पर्दे के पीछे से बहुत बड़ा रोल उनका था इसमें कोई दोहराए नहीं और आज लोकपाल आज तक नहीं बना आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई सामने जो हाल के दिनों में वेबसाइट्स पर या मैगजीन में यदा कदा कोई करप्शन की खबरें आ जाती हैं इस सरकार पर उसकी कोई पड़ताल नहीं की गई तो ऐसा लगता है कि सरकार को ये महसूस हो रहा है पार्टी को महसूस हो रहा है जो शासक पार्टी है कि हम इस तरह से ठोस एजेंडे पर चुनाव नहीं जीत सकते तो उनको सबसे आसान लगा है कि हम हिंदू मुसलमान बना दें चुनाव को और ये उनके आ, आ, एजेंडे जो आर का अपना एजेंडा है उसको भी सूट करता है और चुनाव जीतने के लिए आ, एक शार्ट जो एक एक, एक जो कम आ, आसान जो आ, इनको सुलभ रास्ता दिख रहा है अपने को वो भी इसे उनको पूरा मिलता है ये मुझे लगता है आ, इस पूरे मुद्दे में जो एक चीज़ सामने आई है वो ये कि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो कहा जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम उनको दरअसल ये पूरी लिस्ट बना रहे हैं कि वो पहचाना जाए कि कौन है इस एन में जो पहला अभी जो ड्राफ्ट आया है चालीस लाख लोगों का नाम नहीं है आरएसएस जो हमेशा से वासुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं तो आप ये मुद्दा आप कैसे देखेंगे कि एक तरफ तो आप तो पूरे विश्व को एक परिवार कहने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आपने 40 लाख लोगों की रातों रात उनको देश का नागरिक नहीं है घोषित कर दिया नहीं देखिए वसुंध वसुधैव कुटुंबकम की बात तो ये क्या करेंगे ये तो अपने देश में जो जातियां हैं जो धर्म हैं उनके भी उनके बीच भी कुटुम्ब की भावना नहीं रखते तो ऐसा नहीं है ये देखिए ये जैसे हमारे दुनिया में जो बड़े कारपोरेट हाउसेज़ हैं वो भी कहते हैं कि हम ग्लोबल विलेज हैं लेकिन आज आप देखिए कि दुनिया में कितनी लड़ाइयाँ हैं छोटे छोटे भूखंडों को लेकर लड़ाइयाँ हैं छोटे छोटे इंटरेस्ट को लेकर लड़ाइयाँ हैं छोटी छोटी आर्थिक जो सहूलियतें हैं आर्थिक कब्जा करने की जो मनोवृत्ति है उसको लेकर लड़ाई है इतनी लड़ाइयाँ ग्लोबलाइजेशन के दौर में हुई हैं आप भले ही वर्ल्ड वार ना हुआ हो लेकिन भयानक खून खराबा हुआ है आप सीरिया देख लीजिए इसराइल फिलिस्तीन देख लीजिए आप जिस सरहद को भी देखिए खासकर ऐसे हलकों में भी जहाँ एक समय लगा था कि अब समस्या हल हो गई लेकिन बहुत ही बुरा हाल है तो हमारा ये कहना है कि ये एक ढकोसला है चाहे वो विश्व के कॉरपोरेट का सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन का नारा रहा हो या भारत के जो राइट विंगर्स कहिए या जो अपने को हिंदुवादी लोग कहते हैं उनका जो धार्मिक धार्मिकता का नारा है ये धर्म विरोधी है दरअसल यहाँ धर्म नहीं बल्कि अधर्म है तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई असलियत नहीं है रही बात आपकी जो ये जो असम का जो समस्या है देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर से लोग आते रहें और आप उनको लेते रहे वो मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन क्या आप ये अपने अतीत को भूल जाएंगे कि भारत स्वयं ही बहुत बड़ा आई मीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ से बाहर से आए लोग सेटल हुए ना जाने कितने लोग आए कहाँ कहाँ से और वो सेटिल हुए इसलिए लोग कई बार कहते हैं बड़े काव्यात्मक ढंग से मैं इसको कोई साक्ष्य के आधार पर निर्मित कोई वाक्य नहीं है ये ऐतिहासिक लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत काव्यात्मक ढंग से कि भाई भारत तो माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा देश है यहाँ तो बाहर से आए लोग बसे हैं तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ हम भारतीय लोग बसे हैं जाकर इत आप मरीशस को देख लीजिए आप अमेरिका ही देख लीजिए मरीशस तो ठीक है वहाँ तो अपनी भूमि के लोग हैं या बहुत सारी सूरीनाम है लेकिन आप अमेरिका में देख लीजिए फ्रांस में देख लीजिए जर्मनी में देख लीजिए कहाँ नहीं है इंडियंस मोदी जी जहाँ जाते हैं उनके लिए आवाज़ आती है मोदी जी मोदी जी मोदी जी हैं और वहाँ पर खूब वो अपना रैली करते हैं वे सारे भारतीय होते हैं ज़्यादातर उसमें गुजरात के भी बहुत सारे लोग होते हैं तो आज की दुनिया में कोई ये कहे कि इस मुल्क का आदमी इस मुल्क में नहीं आएगा ये संभव नहीं है पहली बात दूसरी बात सवाल यह है कि वो जो आ रहा है व्यक्ति उसको आप कई बार नेशनल आई मीन सिक्योरिटी से जोड़कर देखते हैं कि आतंकवाद मचा देगा उग्रवाद मचा देगा आप एक ईयर तय कर लिए हैं कि इस ईयर के बाद जो आएगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को पूरी होने दीजिए क्या आज की स्थिति में हम सवाल पूछते हैं ये सरकार क्या उसके पास क्या सलूशन है इस समस्या का क्या, क्या बांग्लादेश से जो लोग आए हैं कल्पना कीजिए कि 6000 लोग या 60000 लोग उनको आइडेंटिफाई उन्होंने फाइनली कर लिया कि ये बांग्लादेश से आए लोग हैं जो इस ईयर के बाद आए हैं जो प्रतिबंधित था तो क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा क्या भारत सरकार ये श्योर करेगी कि बांग्लादेश सरकार उनको वो एक्सेप्ट कर ले आज के आज के आज की तारीख में क्या भारत सरकार ये ये बता सकती है अगर बता सकती है तो उसको भारत की संसद में बोलना चाहिए संसद जिस वक्त चल रही है देखिए ये मसले इतने आसान नहीं हैं ये बेहद जटिल मसले हैं पूरी दुनिया में इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो ज्वलंत बने हुए हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको धार्मिकता से जाति से या संकीर्णता के साथ इस इस तरह के इश्यूज़ को आप हल कर लेंगे हमने बांग्लादेश और हिंदुस्तान का बॉर्डर देखा है और हमने बॉर्डर पर ये भी देखा है कि कैसे उधर से लोग कुछ नोट दे करके और चले आते हैं और वहाँ पर खड़े हुए लोग जो है तमाशबीन की तरह चुपचाप रहते हैं तो आना जाना ये लगा रहता है ये दरअसल गरीबी का मसला है दरअसल ये बैकवर्डनेस का मसला है दरअसल ये अशिक्षा का मसला है जिस दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी ये जो आस पास के देश हैं वो अपनी खुशहाली को बढ़ोतरी करेंगे अपने समाज को बेहतर बनाएंगे लोग जाना छोड़ देंगे आप बिहार के लोग अपने ही देश में देखिए बहुत सारे लोग एक ज़माने में बहुत ज़्यादा जाते थे अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर भी जाते हैं बहुत सारे लोग उड़ीसा के लोग आकर के यहाँ पर मजदूरी करते हैं क्यों करते हैं इसलिए कि इसी मुल्क के लोग हैं वो जा सकते हैं ठीक उसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप है लोग आना जाना लोगों का लगा रहता है तो ये इस तरह से आप नहीं चीज़ों को हल कर सकते इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आपको चाहिए और अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर आपके पास कोई सलूशन है तो उसको उसको आपको सामने लाना चाहिए इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए नहीं। आप हो क्या रहा है इस पूरे इशू को आप राजनीतिक रूप से एक ध्रुवीकरण का मुद्दा बना रहे हैं हमारी आपत्ति से नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है वो एक टेक्निकल प्रोसेस है ठीक है उसमें कानून का पेंच है उसमें तमाम चीज़ें हैं लेकिन आप इसको कम्युनलाइज मत कीजिए कि हिंदू मुसलमान का मामला है ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है जो भी सोल्यूशन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट देख रही है सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद